नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने कोहाट वार्ड नंबर 61 से अपने पुराने कार्यकर्ता अजय रवि हंस को चुनाव मैदान में उतारा है। जनमत के पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने अजय रवि हंस से बातचीत की है, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार जो पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है, अजय रवि हंस जी। कितने खुश है, कितने गदगद है। दो चार दिन पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था पार्टी आखिर कब तक। बिल्कुल जायसवाल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गदगद हूँ मैं बिल्कुल। पार्टी ने आज मेरी 30-35 साल की जो तपस्या थी, पार्टी ने ध्यान दिया। मैं पहले तो शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिला का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। कितना समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? भाई कल से, जब से परसों रात से हुई है, मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष भाई अनंत जी, मेरे प्रभारी भाई हेमंत जी मेरे साथ हैं। ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं कि मैं दो दिन से शायद एक घंटा भी नहीं सोया हूँ। लोगों का अपार जन समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने कहा रवि जी आपकी जीत निश्चित है, आप बिल्कुल एक बहुत बड़े दिल्ली में एक बहुत बड़े मार्जिन से आप जीतने वाले हैं। लेकिन हमने कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होके, मैं 15 दिन 20 दिन भरपूर मेहनत करूंगा, और जैसे मैं बिना पद के लोगों के काम आता रहा हूं, अगर मुझे जनता ने मुझे इस पद पर बिठाया तो 24 घंटे मैं समर्पित हूँ कोहाट जनता की सेवा में। केजरीवाल ने 10 गारंटी योजना की बात कही है, कैसे देखते हैं? 10 गारंटी मतलब 10 झूठ योजना। पहले भी उसने कहा था, आप प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं, कि मैं इतने हॉस्पिटल बनवाऊंगा, इतने कॉलेज बनवाऊंगा, इतने मैं स्कूल बनवाऊंगा, इतनी मैं रोड्स बनवाऊंगा, मैं वाईफाई फ्री कर दूंगा। कोई वायदा पूरा हुआ क्या? वायदे करने में आज वो जहां उनकी पंजाब में सरकार है, वो वहां क्यों नहीं, वो जहां जहां लागू कर रहे हैं वहां क्यों नहीं उन्होंने 5,000 रुपए की या 3,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं? दिल्ली में तो पेंशन तक बंद करवा दी उन्होंने। तो प्रत्यक्ष कहने में और करने में, कथनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है जायसवाल जी। ऐसे झूठे वादे लोगों को करके दिग्भ्रमित करना, ये केजरीवाल का काम है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से केरला के प्रभारी और पूर्व पार्षद रहे इन राजा को चुनाव मैदान में उतारा है, कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है जो हमारे क्षेत्र में ही नहीं रहते। पूर्व में वो जरूर शकुरपुर के रहे हैं, लेकिन उनको आज एन राजा जी को कोहाट में कौन जानता है? तो ये तो पार्टी ने अब किस नियत से उतारा है, किस नियत से नहीं उतारा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एन राजा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ संगठनात्मक जो ढांचा है या जो एक इतना है, उसके आगे कहीं भी ना आम आदमी पार्टी टिकती है, ना एन राजा जी, बहुत स्वामित्ता के साथ कह रहा हूँ, ना एन राजा जी टिकते हैं। किस तरीके से मुकाबला होने वाला है रवि जी? अब मुकाबला आपको पता है जायसवाल जी कैसा रहने वाला है, आप भी जगह जगह घूम रहे हैं, आप भी लोगों के व्यूज ले रहे हैं। हम एक बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट शीर्ष नेतृत्व के हम झोली में डालने वाले हैं, ये मैं आपको पूर्ण आश्वासन और पूरे दावा करता हूँ। पार्षद बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे? पार्षद बनने के बाद 24 घंटे जनता की सेवा। क्यों? क्योंकि मेरा जो काम है वो बच्चे ने हमारे संभाल लिया है। मैं आज 30-35 साल से पार्टी के कामों में लगा हुआ हूँ। पार्टी की सेवा, सेवा और सेवा बस, और जनता का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे क्वाट वार्ड में कोई बहुत बड़े काम नहीं है करवाने लायक। छोटे छोटे काम होते हैं, सफाई व्यवस्था है, बल्ब की है, पार्कों की सफाई व्यवस्था है, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को आकांक्षा नहीं होती। यही काम ढंग से हो जाए, और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ कि लोगों की जो हमारे से उम्मीद है उससे ज़्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मंडल अध्यक्ष अनंत जैन जी भी हैं, घर घर जा रहे हैं, क्या माहौल है? जायसवाल जी माहौल बिल्कुल एक तरफा है। जैसा कि 30 जनवरी को आपने मेरे से पूछा था कि कौन यहाँ का उम्मीदवार होगा, भाई साहब मेरे साथ मेरे मंच पर थे, मैंने कहा था कि एक एक कार्यकर्ता कोई भी यहाँ पर टिकट मांग सकता है, और संगठन ने एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को जो टिकट दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हम 10,000 से अधिक वोटों से हम वार्ड जीत कर दिखाएंगे, और एक एक घर के अंदर पहुंचकर हम एक एक व्यक्ति का हम दिल जीतेंगे। हम तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आनंद जैन जी, इससे पहले हमारे अजय रवि हंस जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।